हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ पांचवा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, क्या एक जीव की वंशागति। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस पढ़ेंगे। परिभाषा जान लें, जब विपरीत लक्षणों वाले दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं दोनों जनकों के लक्षण होते हैं, अर्थात विषम युग्मी अवस्था में दोनों एलील क्या करते हैं, अपने अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। इसीलिए इस प्रभाविता को बोलते हैं हम लोग क्या, सह प्रभाविता। आइए समझते हैं, मेंडल के द्वारा जो दिया गया था प्रभाविता, उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, अपूर्ण प्रभाविता, कैपिटल आर स्मॉल आर, सह प्रभाविता। प्रभाविता के अनुसार इसके अंदर कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी होगा, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में न तो कैपिटल आर प्रभावी होता है न तो स्मॉल आर प्रभावी होता है। इसमें कोई एलील प्रभाविता नहीं शो करते हैं, जबकि इसमें एक एलील अपना प्रभाव दर्शाता है, एक एलील प्रभाव नहीं दिखाता है। इसमें कोई भी एलील अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन सहप्रभाविता के अंदर दोनों जो एलील होते हैं वो अपने अपने प्रभाव को दर्शाते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, सहप्रभाविता। आइए उदाहरण के रूप में समझ लें, यहाँ पे ए बी ओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ उसी से बना है, ए बी रक्त। इनका जो नियंत्रण होता है एक आयजिन करता है, ये आयजिन कहाँ से लिया गया है, आइसोहीमोग्लूटिनोजन से आई लिया गया है। जो आई जीन है इसके तीन एलील होते हैं, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, स्मॉल आई, तीन एलील हो गए। इनके ऊपर कोई, ये जो ए है बी है, ये विशेष प्रकार के एंटीजन है, इसलिए इसके ऊपर ए एंटीजन है, बी एंटी, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। इस तीन तरह के एलील हो गए। जो आई है, आई ए है, आई बी है, वो विशेष प्रकार के शर्करा को उत्पादन कर सकते हैं, जबकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार के शर्करा का उत्पादन नहीं करते। हम जानते हैं कि मानव क्या है, द्विगुणित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में तीन में से कोई दो ही एलील होगा, क्योंकि ट्विन अवस्था में तो कोई दो ही एलील होंगे। आइए देखते हैं, जो आई ए और आई बी है स्मॉल आई के ऊपर प्रभावी, अर्थात स्मॉल आई अप्रभावी, बाकी ये दोनों क्या है, प्रभावी। आइए इस बात को समझे, यदि आई ए स्मॉल आई उपस्थित होगा तो आई ए जो है अपने को अभिव्यक्त करेगा तथा विशेष प्रकार का शर्करा बनाएगा, ये किसी भी प्रकार का शर्करा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, प्रभावी। आई बी आई स्मॉल आई में देखते हैं, ये दोनों जब उपस्थित होंगे कैपिटल आई बी जो है अपने को अभिव्यक्त करेगा, अब विशेष प्रकार का क्या बनाएगा, शर्करा बनाएगा, क्योंकि स्मॉल आई नहीं बना पाएगा। इसलिए आई बी क्या है, प्रभावी है, ये आई जो स्मॉल आई है वो अप्रभावी। अब हम दोनों की तुलना करते हैं, आई ए एवं आई बी, जब ये दोनों उपस्थित रहेंगे ये दोनों अपने अपने शर्करा का निर्माण करेंगे, अर्थात दोनों ही क्या करेंगे, अपने को अभिव्यक्त करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सहप्रभाविता। अब देखते हैं कि तीन जो एलील है उसके अनुसार मानव में कितने ब्लड ग्रुप या कितने संयोजन ब्लड ग्रुप के बन सकते हैं। देखिए, यदि आपका आई ए है तो कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए है, आई ए आई बी है तो कह सकते हैं ए बी, आई ए स्मॉल आई है तो कह देंगे ब्लड ग्रुप ए, आई कैपिटल बी है तो कहेंगे ब्लड ग्रुप बी, आई कैपिटल बी स्मॉल आई है तो कहेंगे ब्लड ग्रुप बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है, आई स्मॉल आई, स्मॉल आई दो है तो उसे बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तीन तीन भिन्न प्रकार के जो अलील है वो छह प्रकार के क्या होते हैं, संयोजना को बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम समझे सहप्रभाविता। यहाँ पे देखिए, जो आई ए आई स्मॉल आई है, यहाँ पे आई जो है प्रभावी है तो अपने कैरेक्टर को दर्शा रहा है,
यहाँ पे देखिए आई बी है, आई स्मॉल आई है, तो यहां बी प्रभावी है तो अपने लक्षण को दर्शा रहा है, ठीक है। यहां पे विशेषता सब प्रभाविता यहां पे आती है। यहां पे देखिए आई ए है और आई बी है, तो यहां पे दोनों लोग अपना अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं, इसीलिए रिजल्टिंग जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी आ रहा है। इनका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और इनका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यही जो ए बी आया है रिजल्ट, यही आप किसको दर्शाता है, सहप्रभाविता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सहप्रभाविता को दर्शाता है, क्योंकि ये क्या है, दोनों लोग अपने अपने प्रभाव को दर्शा रहे जिससे ए बी ब्लड ग्रुप आया। जबकि यहां पे और यहां पे किसका एग्जाम्पल हो गया, ये प्रभाविता का हो गया। यहाँ पे एक क्या है, दूसरे के ऊपर प्रभावी, अर्थात एक जो है केवल अपना ही प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल होंगे किसके होंगे, प्रभाविता के होंगे, जबकि ऊपर वाला जो है क्या है, सह प्रभाविता का उदाहरण। नमस्कार, धन्यवाद।